एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ससुर ने बहू के साथ की मारपीट, ईडी ने महबूबा के भाई को तलब किया। वानखेड़े जन्म से ही मुस्लिम, बीएमसी ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वनी तहसील दहेगांव के खेत में ससुर ने बहू के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। इस मामले में पीड़ित महिला ने मुकुटबन पुलिस थाने में शिकायत की है। शिकायत के तहत दहेगांव की सरिता धर्मशान लोनारे की पति के नाम से 2 एकड़ खेती है। पति की मौत के बाद वह खेत में बुआई के लिए गई थी। वहां उपस्थित ससुर बुधराज लोनारे व फूलचंद लोनारे ने उसके साथ मारपीट की। सरिता की शिकायत पर मुकुटबन पुलिस थाने में धारा 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई तसदुक के हुसैन मुफ्ती को पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपनी बहन के मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री रहे तसदुक हुसैन मुफ्ती को गुरुवार को यह मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। तीसरी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के हिंदू और मुसलमान होने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीएमसी ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि समीर वानखेड़े जन्म से ही मुस्लिम है। बीएमसी ने कोर्ट में समीर के मुस्लिम होने के दस्तावेज पेश किए हैं। बीएमसी के दस्तावेज के मुताबिक यदि समीर मुसलमान साबित होते हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने बीएमसी से वानखेड़े के संबंध में दस्तावेज भी मांगे थे। बीएमसी ने जो वानखेड़े के दस्तावेज कोर्ट को सौंपे थे इसमें कई खामियां हैं। समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र से उनके खिलाफ फैसला आने की संभावना है। बीएमसी ने दस्तावेजों के आधार पर वानखेड़े जन्म से ही मुस्लिम है बताया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के धर्म पर संदेह जताया था। उन्होंने दावा किया था कि वानखेड़े मुसलमान है। इसके लिए उन्होंने वानखेड़े का जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति भी दी थी। इसके बाद मामला मुंबई हाई कोर्ट में चला गया। इसी के साथ आज की खास खबरों को ही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।